शिपिंग जोन्स जो है वो किस तरह बनाए जाते हैं और उससे क्या फायदा होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। शिपिंग जोन्स जो है शिपिंग जोन इज अ जियोग्राफिक रीजन वेयर अ सर्टेन सेट ऑफ शिपिंग मेथड्स आर ऑफर्ड। वूकॉमर्स विल मैच अ कस्टमर टू अ सिंगल जोन यूजिंग द शिपिंग एड्रेस एंड प्रेजेंट द शिपिंग मेथड्स विद इन दैट जोन ऑफ द। जोन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपने आप चाहते हैं कि जो है आप यूएस के अंदर सेल आउट करें, ठीक है, आप चाहते हैं कि कैलिफोर्निया का किसी कोई एड्रेस होगा या जिप कोड होगा तो उस पे आप चाहते हैं कि $10 शिपिंग लें कोई सी भी आइटम हो। अगर आप चाहते हैं कि जो ना न्यूयॉर्क के अंदर जो है कोई कस्टमर आइटम मंगवा रहा है तो उसका जो जिप कोड न्यूयॉर्क का होगा वो उस पे जो है $5 शिपिंग चार्ज हो, तो वो आप यहाँ इस शिपिंग जोन के जरिए आप उसको डिफाइन करके बना सकते हैं। तो मैं आपको एक शिपिंग जोन यहाँ पे बना के बताता हूँ। और आप चाहते हैं कि जो है एंटायर अब जो है अमेजोन क्या क्या सॉरी अब जो है वो यूएस के जो है 48 स्टेट्स है, तो आप चाहते हैं कि 48 स्टेट्स के अंदर से सिर्फ कुछ ऐसे स्टेट हो जिसमें मैं शिपिंग चार्ज करूँ और दूसरे जो स्टेट्स है वो फ्री शिपिंग में रहे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल मैं जो है पहले आपको स्पेसिफिक जोन स्टेट्स के हवाले से मैं शिपिंग को ऐड करवा के बताता हूँ किस तरह चलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी शिपिंग जोन का नेम दे देता हूँ, यूएसए शिपिंग जोन 1। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया आप ऐड करेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। आपको कैलिफोर्निया के अंदर जो है कस्टमर आप चाहते हैं कि मैं शिपिंग अप्लाई कर दूँ हर आइटम के ऊपर, तो ये मैंने ऐड किया और यहाँ से जो है ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करेंगे और जो है फ्लैट रेट लेंगे यहाँ से और ऐड शिपिंग मेथड करेंगे, उसको आप ऐड करेंगे और यहाँ पे पूछता है कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए। अब कॉस्ट जो है आप कहते हैं कि मैं पूरे कैलिफोर्निया के स्टेट के ऊपर कोई सा भी जिप कोड हो स्टेट का कैलिफोर्निया के उस पे मैं $10 चार्ज करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे $10 दे देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो अब ये आपका शिपिंग जो है जोन के साथ ऐड हो चुकी है। तो मैं अब अपने प्रोडक्ट्स के अंदर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये चल रहा है। अब आप देख सकते हैं मैंने तो ऐड किया हुआ, यहाँ पे चेंज करके कर देता हूँ, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मैंने अलबामा का जो है जिप कोड डाला तो यहाँ पे मुझे बता दिया नो शिपिंग ऑप्शन वर फॉर्म फॉर AL 35005, जिसका मतलब ये है कि शिपिंग कोई भी नहीं थी इसकी वजह से जो है ना इसने फ्री शिपिंग कर दी। लेकिन आपको मैं एक और शिपिंग यहाँ पे मुझे लाजमी बनानी पड़ेगी। एक मिनट, मैं फिर से शिपिंग जोन में जाऊँगा ताकि मुझे फ्री शिपिंग भी साथ में ऐड करवानी है
तभी जाके आपको समझ में आएगा कि किस तरह ये चलता है। ये कैलिफोर्निया वाला तो मैंने बना दिया, अब यहाँ से मैं एड न्यू ऑन कर लेता हूँ। और यहाँ पे नाम दे रहा हूँ यूएसए फ्री शिपिंग। यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से फ्लैट रेट से फ्री शिपिंग पे दे दिया, एट फ्री शिपिंग। ये मेरा सेफ हो चुका, मैं रिफ्रेश करके एक बार देख लेता हूँ। जी अब आप देख सकते हैं मैंने यूनाइटेड स्टेट को जो है फ्री शिपिंग पे ऐड कर दिया, एंटायर यूनाइटेड स्टेट को। और फ्री शिपिंग जोन्स के अंदर मैंने दूसरी जो शिपिंग बनाई थी जिसके ऊपर मैंने फ्लैट रेट लगाया था कैलिफोर्निया के स्टेट के ऊपर, जो कि $10 था। अब मैंने अलबामा का जो है जिप कोड यहाँ पे डिफाइन किया था तो उसने मुझे फ्री शिपिंग करके दे दिया। अब मैं अगर कैलिफोर्निया का मैं जिप कोड डालता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट करके 9035, ये जो कि कैलिफोर्निया का जिप कोड था, मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कैलिफोर्निया का मैंने जैसे ही जिप कोड डाला उसने फ्लैट रेट लगा दिया $10 शिपिंग के चार्जेस, और मेरा सब टोटल बन गया $25। $15 जो है आइटम की कॉस्ट थी और जो है $10 जो उसकी शिपिंग थी, तो जिसकी वजह से इसने $25 टोटल में कर दिए। अच्छा अब ये तो थी छोटी आइटम, ठीक है। अब आपके और जो है $10 जो आपने उसके ऊपर चार्ज किया, अब आप कहते हैं कि जो ना सपोज कोई बल्की आइटम है आपकी और आप कहते हैं कि बल्की से मुराद क्वांटिटी ज़्यादा है। अब इसी आइटम को ले लेता हूँ मैं, जीन्स की जो पैंट है वो मैंने ऐड की। अब एक कस्टमर ने जो है समझ लें ऑर्डर प्लेस हुआ है 5 क्वांटिटीज के अंदर और सिर्फ $10 जो ना आपने चार्ज किए हैं इसके ऊपर 5 क्वांटिटीज के ऊपर। आप चाहते हैं कि हर क्वांटिटी पे जो ना मेरी शिपिंग जो है मल्टीप्लाई होती है, $10 जो है 5 टाइम मल्टीप्लाई होके $50 हो जाए, तो आप इसको इस तरह डिफाइन करेंगे। आपको एडिट करना है शिपिंग जोन को अपने, और यहाँ पे जो है कोड लगाना है, ब्रैकेट ऑन करेंगे QTY ब्रैकेट क्लोज स्पेस एस्टेरिस्क स्पेस 10 और यहाँ पे सेव चेंजेस कर देंगे। इस कोड से ये फायदा होता है कि जो ना अब आपने डिफाइन कर दिया है कि क्वांटिटी मल्टीपल होगी तो मल्टीपल शिपिंग भी एडअप होती रहेगी। तो अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार पेज को काट के, और यहाँ पे 1 क्वांटिटी की जगह पे मैं इसको 2 कर देता हूँ अपडेट कार्ट। अब आप देख सकते हैं कि जो है ना मेरी तो $10 की शिपिंग कॉस्ट थी, ठीक है। अब मैंने क्वांटिटी डबल कर दी तो इसने मेरा शिपिंग रेट भी जो है डबल कर दिया $10 से $20 पे कर दिया, ठीक है। तो अब मेरा जो टोटल अमाउंट था वो $50 बन गया, क्योंकि $30 टू क्वांटिटीज मेरी इसकी मेरा आइटम की थी और जो है $10 के हिसाब से 2 क्वांटिटी है तो उसकी मैंने $20 उसकी शिपिंग ले ली। तो इससे क्या होता है कि जो ना आपको बल्क के अंदर ऑर्डर आता है एक ही आइटम का, तो आप जो है शिपिंग ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से।